फरीदाबाद में दहेज मामले को लेकर हुई हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज लड़की के परिजनों ने आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पैदल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मृतका के परिवार का आरोप है कि 8 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में पति के अलावा किसी भी अन्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके विरोध में आज उन्होंने नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने भी उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच का विश्वास दिलाया है। देखो, इसमें नीचे जो मुलाजिम थे, पुलिस की कहीं ना कहीं चूक रही है, क्योंकि आज 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक ही मुलजिम अरेस्ट हो पाया है। जो हमारा जवाई लगता था उसको अरेस्ट कर पाए, वो भी हमने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमने प्रदर्शन करने की प्रक्रिया चालू करी थी, तब उन्होंने अरेस्ट कर लिया था 2 घंटे में। और आज 7 दिन हो चुके थे, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं करा था, जबकि वो अपने घर पे खुले घूम रहे थे। जो उनके लड़की के जो देवर थे, वो पेपर देने जा रहे हैं, कॉलेज स्कूल सब जगह जा रहे हैं, उनको पकड़ने में कोई भी पुलिस की तरफ से कोई सख्ताई नहीं दिखाई दी। ये बात आपने सीपी साहब के सामने रखी थी? सीपी साहब ने हमें निश्चित किया है, उनका जो दोषी है 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे रहेंगे। और ये फरीदाबाद में इस तरह की प्रक्रिया नहीं चलती है, ना तो हम मंत्री का दबाव मानते हैं, संतरी का, किसी मंत्री का दबाव आ जाए, कोई पैसे वैसे की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, जो दोषी है वो जेलों की सलाखों के पीछे पाएगा। मुझे काफ़ी विश्वास है, साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर मैं आपके दोषियों को पकड़ लूँगा। सीपी साहब के सामने आपने क्या बातें रखी? मैंने सीपी साहब को यही राखी, यही डिमांड रखी कि साहब हमारे साथ न्याय करें, जो मुलजिम है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको अरेस्ट करके हवालात में घेरा जाए। आप इतने आए हो, इकट्ठे हो, क्या क्या नाम नहीं किया? सारा मेरा परिवार है, मेरे भाई है, मेरे रिश्तेदार है, कोई बाहर की मंगी हुई धाड़ नहीं है, ये सब दुख में शामिल हुआ है, मेरे साथ सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। क्या यही मांग करने आए थे कि हम इसको शीतल की मौत को, जिन्होंने मौत के पार उतारा है, उनको हवालात में डाला जाए, अरेस्ट किया जाए और जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई। मामले में पुलिस के मुताबिक उन्होंने मृतका के परिजनों की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर उसी दिन आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था और अब मामले की जांच की जा रही है। जैसे जैसे सबूत सामने आएंगे वैसे वैसे आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी, 28 फरवरी को एक लड़की, शीतल नाम की लड़की थी, उसके द्वारा उसकी हमें जानकारी मिली कि इसको मृत अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया है। उसके इनकी शिकायत के अनुसार हमने 1 मार्च को 304B सेक्शन के अंडर FIR रजिस्टर करी और उसमें हमने हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया है। बाकी जो भी आरोपी हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार सबूत काबिले गिरफ्तारी गुजरेंगे, उनको नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस बारे में हमने परिवार को आश्वासन दिया, जो कि पुलिस कार्रवाई से, अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट। वो आरोप लगा रहे हैं कि जब हमने थोड़ी सख्ती कर दी थी लोग रखते हुए, तो एक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, बाकी हमने 11 के नाम जद देखिए, जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध काबिले गिरफ्तारी के सबूत गुजरेंगे उसको अरेस्ट करा जाएगा। लेकिन ऐसे भीड़ तंत्र, भीड़ के दम पर तो नहीं कह सकते हमने, क्या नाम है, उनके हस्बैंड के प्राइमा फसाई हमारे पास थे सबूत की, क्या नाम है, कि अरेस्ट करने के। लेकिन जैसे जैसे किसी के व्यक्ति के विरुद्ध सबूत काबिले गिरफ्तारी गुजरेगा हम अरेस्ट करेंगे। अभी वो सीपी साहब से मिले हैं, सीपी साहब ने उनको क्या आश्वासन? सीपी साहब ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जो कि हमारे द्वारा करी जा रही है। गौर हो कि शीतल की 28 फरवरी को मौत हो गई थी। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। परिवार का आरोप है कि शादी में पूरा पैसा लगाने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग लगातार पैसे की मांग करते थे और इसीलिए शीतल की हत्या की गई है। परिजनों के मुताबिक उन्होंने ससुराल पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक केवल पति को ही गिरफ्तार किया गया है। मृतक के परिजनों ने कहा कि अगर जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे उग्र प्रदर्शन करने पर विवश होंगे। बहरहाल ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस आगे जांच के बाद और क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।